तो दोस्तों मैं हूं आपका राहुल और एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो टीवीएस अपाची आरटीआर 162V वर्सेस रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 फर्स्ट वेरिएंट। यहीं पे अपाची का मैंने जो लिया है वो लिया है मैंने टॉप वेरियंट और क्लासिक 350 का मैंने लिया है लोअर वेरियंट। तो दोनों मोटरसाइकिल्स के अंदर आप लोग 30,000 ऐड करते हैं बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और आरटीओ की वजह से। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारी इस वीडियो को और देखते हैं दोनों ही मोटरसाइकिल्स में से कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों अपाची की अगर बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 159.7 cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल SOSC इंजन फ्यूल इंजेक्शन इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 16.4 PS एट 8750 RPM पर और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 13.85 न्यूटन मीटर एट 7000 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। यहीं पे क्लासिक 350 की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा 349.34 cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल इंजन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 20.21 PS एट 6100 RPM पर और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 27 Nm एट 4000 RPM पर। तो यहाँ पे अगर दोस्तों पावर और टॉर्क की बात करी जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर तो देखो क्लासिक के अंदर देखा जाए तो 4 PS की पावर आपको ज़्यादा मिल रही है और यहीं पर अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो टॉर्क ज़्यादा मिल रही है वो मिल रही है 15 Nm का टॉर्क जो है वो दोस्तों आपको ज़्यादा मिल रहा है। यानी अगर देखा जाए तो भाई डबल आपको टॉर्क मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर इंजन के मुकाबले में बात करा जाए तो अपनी क्लासिक 350 जो है वो विन करती है। दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर आपको ओरिंग चैन ड्राइव मिल जाएगी। टू वॉल का इंजन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। ब्रेकिंग की अगर बात करा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको डुअल डिस्क ब्रेक विथ सिंगल चैनल ABS आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। लेकिन क्लासिक 350 की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं इसके लोअर वेरिएंट की अगर मैं बात करूँ जो कि फर्स्ट वेरिएंट तो इसके अंदर आपको रियल में ड्रम ब्रेक आपको इसमें मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर ब्रेकिंग के मामले में बात कर जाए तो 2V का ब्रेकिंग आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। यहीं पे अगर दोस्तों मैं नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो टायर्स की अगर मैं बात करूँ तो अपाची के अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा 90x90 का फ्रंट टायर मिलेगा विद 70 GS के अलॉय व्हील्स के साथ और जो रियल टायर मिलेगा 120x70 का रियल टायर मिलेगा विद 70 GS के अलॉय व्हील्स के साथ। यहीं पे अगर क्लासिक की बात करें तो इसके अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा 100x90 का फ्रंट टायर मिलेगा विद 19 inches के अलॉय व्हील्स के साथ और जो रियल टायर मिलेगा वो मिलेगा 120x80 का आपको रियल टायर मिलेगा विद 18 inches के अलॉय व्हील्स के साथ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोस्तों नहीं, इसके अंदर आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे, इसके अंदर आपको मिलेंगे दोस्तों स्पोक व्हील्स। तो यहाँ पे आप लोग को स्पोक व्हील मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो आप लोग को जो टायर्स है ना वो यहाँ पे आपको बेहतरीन जो मिलेंगे वो मिल जाएंगे दोस्तों आपको। देखो दोनों के ही मैं ऑलमोस्ट सेम ही बोलूँगा, क्यों? क्योंकि आगे का अगर थोड़ा सा कम है तो पीछे का थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो टायर्स हैं वो ऑलमोस्ट आपको दोनों में सेम ही मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्लासिक के अंदर एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा वो मुझे ये लगा कि इसके अंदर आपको जो रियल के अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है ना वो आपको 18 inches का मिल रहा है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगा, खैर बड़े हैं अपाची से बड़े हैं, लेकिन फ्रंट में जैसे आपको मैंने बताया था कि क्लासिक में फ्रंट का आपको 19 inches के अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं और यहीं पर आपको रियल में 18 का मिल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे एक नेगेटिव पॉइंट इसमें लगा है। बाकी अगर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं तो अपाची के अंदर आपको जो सीट हाइट मिलेगी वो 790mm की सीट हाइट आपको अपाची में मिलेगी और क्लासिक के अंदर आपको जो सीट हाइट मिलेगी वो मिलेगी 805mm की सीट हाइट आपको इसमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 15mm ज़्यादा जो सीट हाइट है वो आपको क्लासिक 350 में मिल जाएगी। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो 1300mm की व्हील बेस आपको अपाची में मिलेगी। यहीं पे क्लासिक के अंदर आपको जो व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा 1390mm का व्हील बेस आपको इसमें मिल जाएगा। यानी 90mm ज़्यादा जो व्हील बेस है वो आपको क्लासिक 350 में मिल जाएगा। दोस्तों अगर लेंथ की बात करते हो 2085mm की लेंथ जो है वो आपको अपाची में मिलेगी। यहीं पे आपको क्लासिक के अंदर आपको जो लेंथ मिलेगी वो मिलेगी 1145mm की लेंथ आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो लेंथ के मामले में आपकी जो हंटर 350 ये आपकी विन होने वाली है। तो कुल मिला के अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को सीधा सीधा अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों 65mm की जो लेंथ है वो आपको ज़्यादा मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी अपाची के अंदर, 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको अपाची में मिल जाएगा। यहीं पे क्लासिक 350 के अंदर आपको 170mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। यानी इट मीन्स ये कि आप लोगों को अपाची अच्छी ऑफ रोडिंग करा के रहेगी। 10mm का फ़र्क है तो देखो भाई बूंद बूंद की बात है तो भाई बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वही वाली बात है। तो यहाँ पे अपनी अपाची जो है वो ऑफ रोडिंग आपको अच्छी करके देगी। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 1105mm की हाइट आपको अपाची में मिलेगी। यही पे क्लासिक के अंदर आपको जो हाइट मिलेगी वो मिलेगी 1190mm की हाइट आपको इसके अंदर मिलेगी। यानी कुल मिला के देखा जाए 15mm ज़्यादा जो हाइट है वो आपको अपाची में मिल जाएगी। ब्रेथ की अगर दोस्तों बात करें तो 730mm की ब्रेथ आपको अपाची में मिलेगी। यहीं पे
क्लासिक के अंदर आपको जो वृद्ध मिलेगी 785 mm की वृद्ध आपको मिल जाएगी, यानी 50 mm ज़्यादा जो है वृद्ध वो आपको क्लासिक 350 में मिल जाएगी। 12 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको अपाची में मिलेगा, क्लासिक के अंदर आपको 13 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिलेगा, हम 2 लीटर्स माइनस कर लेते हैं बिकॉज ऑफ FI। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 10 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको अपाची में मिलेगा और यहीं पे आपको क्लासिक के अंदर आपको 11 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1 लीटर से ज़्यादा जो पेट्रोल है वो आपको क्लासिक 350 में मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं, यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो कि बाइक को काफ़ी तगड़ा कॉम्पिटिशन दे देगी। यहाँ पे अगर दोस्तों कव वेट की बात करें तो 138 केजी का कव वेट आपको अपाची में मिलने वाला है, वहीं पे 195 केजी का कव वेट जो है वो आपको क्लासिक 350 में मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर कुल मिला के अगर दोस्तों देखा जाए ना, तो आप लोगों को भाई मोटा मोटा देखा था तो 50 केजी का फ़र्क इसके अंदर आ रहा है। तो भाई 50 केजी के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों से बात करी जाए ना, तो भाई क्लासिक 350 हैवी मशीन है, हैवी बाइक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं माइलेज की बात करूँ ना, यहाँ पे आता है अपना मेन पॉइंट। तो देखो जिस हिसाब से इसका 60 किलो का वजन है, उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं इन दोनों मोटरसाइकिल के एक बैग रेस कराऊंगा ना, तो दोनों मोटरसाइकिल सेम ही परफॉर्मेंस देगी। इनिशियली पिकअप की भी अगर मैं बात करूँ तो दोनों मोटरसाइकिल आपको सेम ही परफॉर्मेंस देने वाली है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो माइलेज लेकिन आपको अपाची जो है वो आपको ज़्यादा देगी, आराम से अपाची जो है आपका 45 से 46 का माइलेज आपको निकाल के दे देगी। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो 46.8 का माइलेज अपाची का है। यहीं पर अगर मैं क्लासिक की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो माइलेज निकाल के देगी वो आपको सीधा सीधा 40 का माइलेज आपको निकाल के दे देगी। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा यह है कि इस मामले में अगर देखा जाए ना, तो मैं यहाँ पे अपाची को ही विन करूँगा, क्योंकि कम वेट की वजह से क्या है, देखो लोड हमारी क्लासिक 350 काफ़ी लोड उठा सकती है, वो अपाची नहीं उठा सकती। लेकिन यह है कि अगर हम हमेशा लोड तो खैर बाइक पर रखेंगे नहीं, तो वहाँ पे के लिए क्या अपाची जो है वो अपनी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है। LED टेल लाइट आपको अपाची में मिल जाएगी, हेलोजन बल्ब वाली आपको टेल लाइट क्लासिक 350 में मिल जाएगी। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करें तो 270 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको अपाची में मिलेगा। रियल डिस्क ब्रेक जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 220 mm का रियल डिस्क ब्रेक जो है वो आपको अपाची में मिल जाएगा। यहीं पे अगर मैं क्लासिक की बात करूँ तो इसके अंदर आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक 300 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, यानी 30 mm ज़्यादा जो है वो आपको क्लासिक 350 में मिलेगा। यहीं पे ड्रम ब्रेक की अगर मैं बात करूँ तो 153 kg का ड्रम ब्रेक मिलेगा। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा है भाई गड़बड़ है, देखो प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए। अगर मैं डुअल डिस्क की अगर मैं बात कर ले तो यहाँ पे भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ चलो कि इसका डुअल डिस्क में इसमें जो है वो कैसे क्या रहने वाला है। तो डुअल डिस्क की अगर आप लेते हो जो कि इसका थर्ड वेरिएंट होगा, 270 mm का रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा। लेकिन इसकी वजह से क्या है, आपको प्राइस भी आपको ज़्यादा देने पड़ेगा, एक्चुअल प्राइस आपकी 2,02,000 रुपये पड़ जाएगी। तो यहाँ पर अगर दोस्तों देखा जाए ना कि भाई आप लोगों को यही रिकमेंड है कि अगर डिस्क वाली चाहिए तो यार आपको थोड़ा सा ऊँचा मॉडल आपको परचेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर जिस प्राइस रेंज की अगर हम अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे जो है भाई अपनी अपाची जो है वो विन कर जाती है। यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूँ तो अपाची के अंदर आपको जो कनेक्टिविटीज़ वगैरह जो मिलती है, अब उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो GTD टेक्नोलॉजी जो है वो आपको अपाची में मिल जाएगी, यानी आप लोगों को सिर्फ गियर्स अप और डाउन करने ऑटोमेटिकली थ्रॉटल ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। तो ये होता है GTD टेक्नोलॉजी। यहीं पर आपको अर्बन मोड मिल जाएगा, रेन मोड मिल जाएगा। इसके अंदर आपको जो पावर मिल जाएगी वो मेरी 13.32 PS की पावर देगी अर्बन और रेन मोड में। यहीं पे टॉर्क की अगर मैं बात करूँ तो 12.7 Nm का टॉर्क देगी 6500 RPM पर, यानी अर्बन मोड पे अगर आप इस बाइक को सेट करते हो, जैसे पर्सनली मैं भी चलाता हूँ, तो इसमें आपका माइलेज और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी इट मीन 13 PS की पावर के अकॉर्डिंग चलेगी। तो यहाँ पे आप लोगों को माइलेज जो है ना कुल मिला के अभी मान के चलो दोस्तों 49 से 50 का माइलेज कहीं नहीं गया है इस बाइक का। पैटल डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे तो ब्रेकिंग आपकी और भी ज़्यादा अच्छी इसके अंदर हो जाएगी। TVS स्मार्ट कनेक्टिविटी ऐप मिल जाएगा, यानी आपके फ़ोन में कोई भी कॉल या कोई भी मैसेज वगैरह कुछ भी आएगा तो वो सारी के सारी जो है वो आपके अपाची के मीटर जो है वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे देगा। यहीं पर अगर मैं क्लासिक की बात करूँ तो इसके अंदर आपको नॉर्मल सही मीटर कंसोल मिलेगा, एनालॉग मीटर कंसोल आपको इसके अंदर मिल जाएगा। USB पोर्ट जो है वो आपको क्लासिक 350 में मिल जाएगा। सिंगल चैनल ABS दोनों ही मोटरसाइकिल होने वाली है। स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल जो है वो आपकी अपाची होने वाली है। और क्लासिक जो है ये एक, आप ये मान के चलो ये एक मोटरसाइकिल एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो एक कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है। लाइक अगर मैं इसको क्रूजिंग में भी बोला जाए तो ये वहाँ के लिए भी काफ़ी बेहतरीन रहती है। सेल्फ स्टार्ट दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। क्लासिक के अंदर अब वाली फील खत्म हो गई, किक मारने वाली वो चीज़ अब खत्म हो गई है, सीधा सेल्फ स्टार्ट ही आपको इसके अंदर मिल जाएगी। स्प्लिट सीट आपको अपाची में मिलेगी, सिंगल सीट जो है वो आपको स्प्लिट सीट जो है अपाची मिलेगी, सिंगल सीट आपको क्लासिक 350 में मिल जाएगी। टॉप प्ले डिजिटल मीटर कंसोल आपको अपाची में मिलेगा। एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंसोल जो है वो आप लोगों को क्लासिक 350 के अंदर मिल जाएगा। काफ़ी छोटा सा मीटर कंसोल है, मुझे पसंद नहीं आया, खैर मीटर के बारे में बात करूँ तो मुझे पसंद नहीं आया इसका। तो बहुत छोटी सी डिस्प्ले उसके अंदर आपको 1222 हो गया, कोई कॉल हो गई तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपको इसके अंदर मिल जाएगी।
तो दोस्तों इन दोनों ही मोटरसाइकिल्स में से कौन सी मोटरसाइकिल को हमें परचेज करना चाहिए? तो देखो, अगर आप लोग एक ऐसे बंदे जिनको थोड़ा लॉन्ग टूर वगैरह पसंद है, लॉन्ग टूर वगैरह आप पसंद करते हो, आप लोगों को लॉन्ग टूर काफ़ी पसंद है, लंबा लंबा चलानी है मोटरसाइकिल, तो उसके लिए तो भाई आपके लिए क्लासिक 350 ही बनी है। और क्लासिक 350 अगर लेनी है तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप इसके थर्ड वेरिएंट को ही परचेस करो, तो वो आपका एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट भी रहेगा। ये है कि 2,02,000 रुपये की एक्सट्रीम प्राइस पर पड़ेगी, तो आप उसी वेरिएंट को परचेस करो, ठीक है। यहीं पर अगर मैं इन दोनों में से मोटरसाइकिल में से किसी की बात करूँ, तो यहाँ पर जो है प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, वो अपाची ही विन होगी। क्यों? क्योंकि एक तो अपाची हमें माइलेज ज़्यादा दे दिया। अगर मैं इसको मान के चलूँ, देखो क्लासिक जो है वो भगाने वाली मोटरसाइकिल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको भगाते हैं तो भाई अपाची और क्लासिक 350 है, ये दोनों सेम ही सेम पे रहने वाली है। 19-20 का फर्क रहेगा, इससे ज़्यादा का फर्क नहीं रहने वाला है। क्यों? क्योंकि क्यों नहीं रहने वाला? देखो इंजन बड़ा है, सब कुछ बड़ा है, लेकिन बाइक का वेट भी तो काफ़ी मैटर करता है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आप लोगों को सेम ही परफॉर्मेंस मिल जाएगी। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा इन दोनों मोटरसाइकिल्स में से कौन सी मोटरसाइकिल को परचेज करना चाहिए। अगर पर्सनली कोई मुझसे पूछता तो मैं प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो मैं भाई अपाची की तरफ ही जाऊँगा, क्योंकि अपाची में मुझे मोड्स भी मिल रहे हैं और दूसरी चीज़ है मुझे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह भी है, वो सारी इसमें मिल रही है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देख लिया मैं दो चल आर्क ऑटो सर्विस और मॉडिफाइड बाय कंप्यूटर को जो सब्सक्राइब करना, तो ओके बाय।